नमस्कार दोस्तों, मैं इब्रा खान आप सबका हमारे शो मेरी शक्ति आयु शक्ति में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयु शक्ति डॉक्टर डॉक्टर स्मिता जी। डॉक्टर स्मिता नरम जी इंडिया सहित यूएसए, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों में चिकित्सा में ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। आज से ही नहीं बल्कि 27 सालों से वो लोगों को अपने क्लिनिक आयु शक्ति के माध्यम से सेवा प्रदान करती आ रही हैं। इन्हीं कार्य की वजह से उन्हें काफी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। 27 सालों के दरमियान पुराना दर्द, हैवी ब्रेथलेसनेस और वंश को आगे बढ़ाने में सहायता की है। डॉक्टर स्मिता नरम जी बेसिक केमिकल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबर रह चुकी हैं। आज हम एक ऐसी ही अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में हम अपने आयु शक्ति डॉक्टर से जानते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस किस बला का नाम है। वेलकम टू द शो। थैंक यू। जैसे कि हमने और भी नाम सुने, फिर से एक और भारी भरकम नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। देखिए मुझे बोलना भी नहीं आ रहा। रूमेटॉइड यानी कि रोमा, यानी ये लैटिन नाम है हमारे जॉइंट्स का जिसे रोमा बोलते हैं जी। टॉइड यानी कि इन्फ्लेमेशन, यानी हमारी जोड़ों में जो इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। और ये जब भी होता है तो ऐसा लगता है कि बीछी ने जैसे कि काटा हो हमें, यू नो इस टाइप की फीलिंग आती है। और चटके मारते ना जैसे कोई काट रहा हो जोड़ों में, ऐसी ऐसी पीड़ा होती है बहुत ज़्यादा और सूजन होती है। शुरुआत मोस्टली छोटी जॉइंट से जैसे कि उंगलियों से होती है या उंगली एकदम सूज जाती है और उसके बाद धीरे धीरे वो घुटनों में फैल जाता है, बाकी के जोड़ों में, एल्बोज में, सब जगह पे सूजन हो जाती है। तो उससे एक प्रकार की पानी के गुब्बारे जैसी सूजन बनती है और फिर लंबे अरसे के बाद ये हड्डियाँ धीरे धीरे गलने लगती है और बड़े पैमाने पर डिफॉर्मिटीज होके इनफैक्ट लोग एकदम बेड रिडन भी हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है जिसकी वजह है कि हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम। तो हमारी इम्यून सिस्टम जब हमारे जोड़ों के जो लाइनिंग है, इंटरनल मसल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, उस पर जब अटैक करती है तो सूज पैदा करती है। तो जब भी हमें कोई इन्फेक्शन हो और हम उसे कोई दवाई लेके दबा दें तो उस समय हमें साथ साथ में हमारी इम्यून सिस्टम के लिए एक चम्मच हल्दी का चूर्ण दिन में 3 से 4 बार 15-20 दिन तक ले लेना चाहिए, ताकि क्योंकि जब भी कोई इन्फेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी उसे फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम एकदम वो जिसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं उसे तैयार कर देती है। इसलिए हमें उस दौरान हमारे इम्यून सिस्टम को भी साथ में बैलेंस कर लेना चाहिए बाय टेकिंग अ प्रिवेंटिव एक्शन। दूसरा ये है कि किसी किसी के परिवार में ही हाइपर एक्टिव ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होते हैं, चाहिए तो वो थायराइड के हो या कोई और ल्यूपस हो, स्किन के हो या किसी भी प्रकार के, तो फिर उनको अपने माँ बाप से ये चीज़ आने की पूरी संभावना है। इसलिए उस टाइप की व्यक्ति को रोज़ एक चम्मच हल्दी दिन में 2 से 3 बार लाइफ टाइम लेनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का ऑटो इम्यून प्रॉब्लम आए ही नहीं। और इन जनरल 35-40 के बाद गेहूँ, मैदे की चीज़ें, दूध की चीज़ें और रेड मीट, ये 3 बंद किया जाए ना तो इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में आता ही नहीं है। तो दैट्स लाइक अ प्रिकॉशन। और रीज़न क्या है, ये होता क्यों है? ये वात और आँव की वजह से होता है। जैसे कि शरीर में वायु ज़्यादा बढ़ गया तो उससे जकड़ाहट पैदा होती है, आवाज़ें आती है कड़कड़ और हड्डियाँ जो गलने लगती है। और आँव बहुत ज़्यादा, शुरुआत आँव होने से होती है। तो आँव एक प्रकार की टॉक्सिक म्यूकस है जो हमें चाहिए ही नहीं। खाना जब अच्छे ढंग से हजम नहीं होता तो आँव पैदा होती है। और ये चिकनाहट म्यूकस जो है वो हमारे जोड़ों में जब इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ पर सूजन पैदा कर देती है और फिर जकड़ाहट, स्वेलिंग, ये सब इकट्ठा। तो आँव और वात की वजह से होकर और साथ में हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम, यानी हमारे शरीर में इम्यून इम्बैलेंस यदि ज़्यादा हो गया तो वो उसको कुछ काम नहीं है, क्योंकि इम्यून का काम है कि अटैक करना इन्फेक्शंस को, लेकिन जितना चाहिए उससे ज़्यादा सेना पैदा हो गई तो सेना अपने आप को ही अटैक करना शुरू कर देती है। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसका आयुर्वेद में क्या उपाय है? बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमारी खुद की आयुर्वेद की जो परंपरा है इतनी पुरानी, हजारों साल पुरानी, उससे मैंने पिछले 29 सालों में देखा है
कि आयुष शक्ति क्लिनिक में हजारों लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत राहत मिलती है। 3 से 5 साल तक यदि उन्होंने सिस्टमेटिक इलाज किया तो ये नेगेटिव भी हो जाता है और सालों साल तक उन्हें वापस आता नहीं है। जैसे कि एक सच्ची घटना में बताना चाहती हूँ ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि आयुर्वेद कैसे काम करता है। My name is Dr. Mira Nancy Ulrich from Germany. I'm a pediatrician working the last 44 years and at the age of 60 and now I'm 73, I suddenly found that my hands were paining, my wrists were swollen and I wasn't able to hold even a pen and I had difficulty in going up the stairs. I was horrified with the diagnosis of rheumatoid arthritis. At this point, my wonderful friend told me to go to India, to Ayush Shakti. When I came, I didn't believe anything they told me. They said within about 2 to 3 weeks, my pains would go back. And I wasn't able to climb the stairs here. I had to go by lift up. I wasn't able to hold and write properly anymore. And to my great wonder, everything happened according to what they said. After 3 weeks, I had the feeling a switch had been changed in my body. My pains were gone and I was able to go the stairs and I decided at this moment to come back again in December 2003, which was within 4 months, to do another Panchakarma course. उन्होंने जब शुरुआत में आए थे तो उनको बहुत तकलीफ थी, फिर हमने बहुत सारे शुरुआत में एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट की तो उससे उनकी सूजन पहले घट गई, धीरे धीरे उनको अंदरूनी डिटॉक्स किए, जैसे कि एक विरेचन कर्म बोलते हैं आयुर्वेद में, उसे वो लेने से उनके टॉक्सिन सारे निकल गए, जो आँव के टॉक्सिन शरीर से बाहर निकाल दिए और फिर एकदम शुद्ध आयुर्वेदिक बस्ती औषधियों के काढ़े वगैरह की और ऑयल, अंदर सिद्ध ऑयल डाल के बनाई हुई वो देने से उनको एक ही बार, मतलब फर्स्ट टाइम जब 3 से 4 हफ्ते के लिए आए थे तब उनको ऑलरेडी 60-70% रिलीफ मिल गई उनके सिम्टम में। फिर मैंने उनको बोला कि आप डाइट और दवाइयाँ घर पे खाइए और साथ में उनको हफ्ते में 2 बार तेल की बस्ती 10 से 20 ml की लेने को कहा था मैंने, स्पेशल प्रकार के तेल हमने बना के दिए थे। फिर नेक्स्ट ईयर वापस आकर उन्होंने ट्रीटमेंट की, उस तरीके से करीब 3 साल तक 4 साल तक वो आते रहे थे और बाद में उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो ठीक हो गए, उनके रिपोर्ट भी नेगेटिव आए एंड शी वॉज कम्प्लीटली ओके। हाथ जो टेढ़े थे वो सीधे हो गए, आए तब ऐसे हाथ थे वो एकदम धीरे धीरे स्ट्रेट हो गए और आज भी वो बिंदास 72 की उम्र में दिन में 10 घंटा काम करते हैं। जब कोई हमारे यहाँ आता है तो यदि वो कोई पेन किलर या ये सब लेते हैं, बहुत ही यू नो आदत होती है क्योंकि उसके बगैर उनका जीवन ठीक नहीं रह सकता, तो हम आयुर्वेदिक औषधियाँ और ये दोनों साथ में कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि अचानक से वो दवाइयाँ बंद नहीं कर सकते। फिर धीरे धीरे आर्थ्रोक्स ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशली डिज़ाइन करके हमारे डॉक्टर्स, आयुष शक्ति डॉक्टर उनकी नाड़ी देख करके हर 2-3 दिन में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते रहते हैं और काफ़ी मॉनिटरिंग करके 3 से 4 हफ्ते की आर्थ्रोक्स ट्रीटमेंट, जिसमें एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होती है, इंटरनल होती है, सब कंबाइंड डाइट वगैरह, तो उससे फिर 60-70% रिलीफ हो जाती है और लगभग मोस्टली सभी लोगों को पेन किलर की आवश्यकता अपने आप ही नहीं पड़ती, जिससे इम्यून सिस्टम काम डाउन होती है धीरे धीरे, वात और आम का शमन होता है अंदर से और उस तरीके से 8-10 महीने तक ये कंटिन्यू रखने से अंदर से वो हीलिंग होना शुरू हो करके पेन के अटैक्स बहुत ही कम हो करके धीरे धीरे उसी तरीके से 3 से 5 साल तक सिस्टमेटिक काम करेंगे तब एक ऐसी स्थिति आती है कि उनको ना तो आयुर्वेदिक दवाई की ज़रूरत है ना कोई दवाई की ज़रूरत है और कहीं सालों साल तक उन्हें ये बीमारी वापस नहीं आती। तो उसमें डाइट में पहले तो सबसे ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन ना हो तो गेहूँ, रेड मीट और तली हुई चीज़ें और दूध की चीज़ें बंद करते हैं हम, क्योंकि दूध से ऑटो इम्यून सिस्टम ज़्यादा ही खराब होता है, इम्यून अटैक बढ़ जाता है, इसलिए ये 4
कंपलसरी बंद करना है। मैं लोगों को बोलती हूँ कि ये चार तो आपके लिए जैसे कि पॉइजन ही है। जनरली भी नो, ये एनी ऑटोइम्यून डिजीज में ये चार चीज बंद करने मात्र से उनका 50% तो रिलीफ दिखाई देती है, तो ये नहीं लेना है अपने को। जो चीज इसको बढ़ाती है वो बंद कर दो पहले, तो फिर क्या बढ़ना ही बंद हो जाए। उसके बाद खट्टी चीजें जैसे कि नींबू, टमाटर, इमली, दही, फर्मेंटेड, ये खाने से शरीर में जकड़ाहट बढ़ जाती है और रूमेटॉइड जिसको आर्थराइटिस होता है या कोई भी आर्थराइटिस, उनको खट्टी चीज जैसे ही खाई दर्द और जकड़ाहट बढ़ जाती है, इसलिए वो नहीं खाना है। उसकी जगह एकदम लौकी है, तुरई, गलका, जुकीनी, उस टाइप की जो पड़वर जो जिसमें अंदर से थोड़ा सा नरम होती है ना, स्क्वाशिश टाइप की सब्जियाँ, उसे पका करके खाना। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स को पका के खाइए, कद्दू खाइए, तो इस टाइप की वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए। ब्रोकोली, कैबेज वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा पका के खाइए क्योंकि वो गैस करती है और दर्द बढ़ा देती है, तो उसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, अच्छे ढंग से पका कर खाइए। 60-70% कुक्ड और सूप वाली यानी रसे वाली सब्जियां खानी चाहिए। साथ में गेहूं बंद करके ज़्यादा मात्रा में रागी, नाचनी जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है और साथ में कैल्शियम है, उसकी रोटियां ज़्यादा खाए। ज्वारी भी रोटी खा सकते हैं लेकिन रागी सबसे बेस्ट है। और महीने में 5 दिन, महीने में 5 दिन डिटॉक्स अंदर से डाइट के द्वारा करना चाहिए, जिससे सब्जी और मूंग पे ही रहना चाहिए क्योंकि मूंग एक अल्कलाइन है और एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन को घटाने वाला है। तो मूंग और सब्जी को ही खाए, और याद रहे कि मूंग और सब्जी के पकोड़े ना खाए। और साथ में ऑफकोर्स तो ये तो हो गया डाइट, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल में उनको रेगुलरली प्राणायाम करना चाहिए क्योंकि ये लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, नुकसान भी करता है। केवल स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग में हल्का सा है वो, या वॉकिंग, ये ठीक है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो इम्यून सिस्टम को काफ़ी बैलेंस करता है। तो वो रोज़ शुरुआत में 4, उसके बाद 8, फिर 12 और 16 तक पहुंच जाना चाहिए। एवरी डे 16 सेट ऑफ अनुलोम विलोम करने से ऑटो इम्यून में बहुत फर्क महसूस होता है। और घरेलू प्रयोग में स्पेशल हल्दी जो सबसे उत्तम है, तो 1 चम्मच हल्दी का चूर्ण, 1/2 चम्मच सौंठ का चूर्ण, 1/2 चम्मच अजवाइन का चूर्ण, 1/2 टीस्पून लहसुन की पेस्ट और 1 चम्मच भर के धनिया का चूर्ण और 1 छोटी चम्मच मेथी का चूर्ण, ये सारी चीज़ मिला करके पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार लेनी चाहिए। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी को यदि पुरानी तकलीफ है तो केवल डाइट होम रेमेडीज से रिलीफ तो मिलती है, लेकिन हमेशा की राहत अगर चाहिए तो आर्थ्रोस ट्रीटमेंट और सही कम्बिनेशन हर्ब्स का लेना बहुत ज़रूरी है। तो आयु शक्ति में हमने करीब पिछले 29 साल से पेन मुक्ति MJ और पेन मुक्ति संधि के लिए जो 2 टैबलेट है जिसके इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं कि ये खाने से वात शांत होता है, दर्द, जकड़ाहट और सूजन 3 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 80% कम हो जाती है। साथ में हम आयु शक्ति में एक ओजस करके फॉर्मूला देते हैं, ये फॉर्मूला में गुड़ूची, फिर हल्दी के एक्सट्रैक्ट, कुरकुमिन, फिर चिरायता, दाड़िम की पील का एक्सट्रैक्ट, ऐसे ऐसे कम्बिनेशन है जिससे कि साइंटिफिकली वो प्रूवन है कि इम्यून सिस्टम शांत हो जाती है। वो इम्यून कम होती है तो बढ़ाती है और ज़्यादा होती है तो शांत करता है, उसे बैलेंस कर देती है। तो ये रेगुलरली लेते रहने से बहुत फर्क महसूस होता है। मैम, कई लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, कोई भी शारीरिक समस्या है, तो कहते हैं हम तो मेडिसिन ले ही रहे हैं तो हम इसको जड़ से क्यों मतलब ख़त्म करें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्यों लें। लोग कई बार बहुत ही लेट आयुर्वेद के पास आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हमने ये दवाई ली तो सब ठीक है, लक्षण दबे हुए ना, फिर बाद में एक स्टेज के बाद वो दवाई से भी लक्षण नहीं दबते जी। उसके बाद आयुर्वेद के पास आते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ठीक करना। क्यों? क्योंकि अंदर अंदर उसकी जो हड्डियां हैं वो तो खराब होती ही जा रही है जी। क्योंकि जी। ये डिजीज जो है वो हड्डियों पे अटैक करता है जी। और सालों साल तक हम पेन किलर ले या कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी या कुछ भी ऐसी चीज ले करके हमारे सिम्टम्स तो हम दबा देते हैं, लेकिन हड्डियों पे जो अटैक होके डैमेज हो रहा है
वो बंद नहीं होता और उसकी वजह से पूरी हड्डियाँ ऐसी टेढ़ी हो जाती है, पैर टेढ़े हो जाते हैं और फिर बहुत दिक्कत होती है उसे ठीक करना. तो उस स्टेज पर जाने की जगह मैं तो यही कहूँगी कि शुरुआत में यदि आप आयुर्वेद भी अपनाएं साथ में और धीरे धीरे उसे उसको ठीक ही कर डाले जड़ से, कि ब्लड में आरए टेस्ट नेगेटिव आ जाए, सीआरपी जो पहले पॉजिटिव था वो नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति कर ले तो आप बहुत सालों तक सेफ रह सकते हो. जी जी जी. बहुत सारे लोग गर्दन के दर्द से बहुत परेशान हैं. वो चाहते हैं कि हम इस विषय को अपने प्रोग्राम पे चर्चा में लाएं. बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि हम उन्हें ये बताएं कि आयुर्वेद के पास इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं कि लोगों को नेक पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस, माइग्रेन की प्रॉब्लम सताती रहती है. तो हम आज के एपिसोड में इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर गर्दन सलामत तो हम सलामत. तो लेट्स टॉक अबाउट नेक पेन. आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुष शक्ति डॉक्टर. तो चलिए उनसे जानते हैं इसके बारे में. वेलकम टू द शो मैम. नमस्ते मैम. ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस या नेक पेन, ये होता क्या है? सो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि हमें गर्दन में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, मीठा मीठा सा दर्द, और फिर उसे हम इग्नोर करते हैं, टॉलरेट करते रहते हैं, वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, फिर वो दर्द यहाँ से फैल कर नीचे आना शुरू हो जाता है. कई बार गर्दन में दर्द ना हो करके वहाँ की नस यदि दब रही है तो हमें नमनेस महसूस होती है हाथों में. कई बार ये उंगलियाँ ट्विस्ट हो जाती है और ग्लासेस पकड़ने में दिक्कत भी रहती है. तो ये भी गर्दन के साथ जुड़ी हुई समस्या होती है जनरली. तो ये प्रॉब्लम वायु की वजह से और गलत पोजीशन की वजह से होता है. तो ये प्रॉब्लम जैसे कि इतनी सीवियर है तो इससे बचा कैसे जा सकता है? आजकल मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारा सबसे प्रिय हो गया है. मतलब ज़्यादा करके हम अपने मोबाइल के साथ ज़्यादा रहते हैं, लोगों के साथ कम. और मोबाइल पे मैसेजेस देखते देखते, व्हाट्सएप पे कितनी देर तक हम ऐसे अपनी गर्दन को झुकाकर रहते हैं हमें पता भी नहीं रहता. और जब हम 10-15 मिनट तक इस तरीके से कांस्टेंट रहते हैं तो यहाँ पर कम से कम 20 किलो का प्रेशर हमारे वर्टिब्रा पे आता है. स्ट्रेट रहे जब तो नो प्रॉब्लम, पर ऐसे झुक के ज़्यादा देर रहो तो वो वजन की वजह से ये जो वर्टिब्राज है उसके अंदर की डिस्क खिसक जाती है, उसमें डैमेजेस हो जाते हैं. कई बार हम लोग जब पढ़ाई करते हैं या कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमारा जो मॉनिटर है वो आई लेवल पे होना चाहिए, उसकी जगह कई बार मॉनिटर थोड़ा नीचे होता है तो हम ऐसे गर्दन झुका करके काम करते हैं. और कई घंटों तक ये जब करते रहते हैं तो थोड़े साल के बाद एक अलग प्रकार की गर्दन की समस्या हो जाती है. किसी किसी को तो मैंने देखा है कि ये इतनी क्रॉनिक होती है कि यहाँ से नस दब करके झटके कभी कभी कौन सी नस दबी है उसके ऊपर है, कभी माथे पे जाते हैं तो माइग्रेन होता है, कभी गर्दन के आगे की ओर मुंह में आते हैं तो ट्विस्टिंग फीलिंग आती है, या कभी कभी हाथ में नमनेस आती है. तो ध्यान रखना है कि हम हमेशा अपना जो रीडिंग लेवल है वो आई लेवल से रखें, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा सोने की हमारी पोजिशन जो है, जैसे कि हमारा तकिया बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं, किसी को बहुत डबल तकिया लेने की आदत होती है तो उससे हमारी गर्दन इस तरीके से रहती है सोते समय, जब हम करवट बदल के सोते हैं तब, तो फिर यहाँ पे वो डैमेज होने की संभावना है, क्योंकि अपने वर्टिब्रास एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टेक किए गए हैं और वो एक मसल्स के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर वो फिक्स है, उसके अंदर डिस्क है. तो ये वर्टिब्रा अगर ज़्यादा टेढ़े हो गए तो डिस्क ऐसे बाहर आ जाएगी खिसक के और फिर वो नस को टच कर लेगी. तो उसकी वजह से हमें ये ध्यान देना है कि हम सही ढंग से सोए, पेट के ऊपर ना सोए. कभी कभी जरा सा गर्दन में मीठा मीठा दर्द शुरू हो गया समझो, तो या कड़कड़कड़ यू नो आवाज़ें आती है ऐसे तड़क तड़क करके ऐसे घुमाएंगे तो ये भी निशानी है कि वहाँ शुरुआत हुई है. तो गर्म तिल का तेल वहाँ पर लगाया जाए, हल्का सा मालिश रोज करके गर्म पानी की थैली से सेक किया जाए तो फिर वो ज़्यादा बढ़ने से अटक जाएगा. ओके. तो मैम जैसे कि आपने बताया कि किसी को नमनेस होती है या किसी की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, समस्या इतनी गंभीर हो सकती है, तो फिर आयुर्वेद के पास इससे राहत पाने के लिए क्या उपाय है? इनफैक्ट इससे राहत पाने के लिए बहुत ही सचोट उपाय आयुष शक्ति के पास है, क्योंकि पिछले 29 साल से हजारों लाखों लोगों को हमने मदद की है और उन्हें बहुत फायदा हुआ है. और ये लगभग निकल ही जाता है, जीवन से ही चला जाता है प्रॉब्लम. तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे जिस सच्ची कहानी है, लेकिन हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि किस तरीके से आयुर्वेद काम करता है,
मैं उनको ये कहानी बताना चाहती हूँ जो हमारे क्लिनिक की एक मिसेस शेषाद्री करके आई थी आज से 3 साल पहले, और उनकी आयु करीब 63 की थी, और 10 साल पहले उनको ये गर्दन की समस्या शुरू हुई। यहाँ दर्द होता था, नमनेस होती थी, और झटके भी आते थे कभी कभी। तो कई बार उन्होंने फिजियोथेरेपी की, पेन किलर्स लिए, तो टेम्पररी थोड़े दिन राहत होके फिर वापस वही का हुई, और अंदर से वायु तो शांत किया ही नहीं था। तो ये वायु जो है वो धीरे धीरे बाकी की हड्डियों में भी फैलना शुरू हो जाता है, और फिर वो बाकी की हड्डियों में भी दर्द शुरू हुआ। तो उनको तो घुटने का दर्द 5-6 साल के बाद, बैक का पेन वगैरह भी हो गया, और साथ में यहाँ पे नर्व कॉन्स्टेंटली जो इरिटेट हो रही थी टच हो करके, उसकी वजह से धीरे धीरे उनको माइग्रेन के झटके आने लगे। कई बार चक्कर आने लगते थे, वर्टिगो टाइप की फीलिंग जिसको बोलते हैं ना, कि सोएंगे और उठेंगे तो ऐसे गोल गोल घूम जाता है, या चलते चलते चक्कर आने लगते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें उनको शुरू हो गई थी, और वो बहुत ही परेशान थे। तो ये हमारे आयुशक्ति डॉक्टर के पास आए। पहले 15 दिन तो आयुशक्ति डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देख करके दवाइयाँ दी ताकि आँव जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। फिर उनको बताया कि आपकी बीमारी इतनी पुरानी है कि हमें आर्थ्रोक्स ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे इनको पता था कि आर्थ्रोक्स ट्रीटमेंट, रोज़ क्लिनिक में आना, ट्रीटमेंट करवाना। यहाँ पे पहले जितने गट्ठे बने हुए थे इतने सालों से जकड़ के गर्दन में, वो हमारे थेरापिस्ट ने पूरे तोड़े, स्पेशल हर्बल पेस्ट के मसाज से, हम इसे सिद्धा मसाज बोलते हैं, और उसके ऊपर पोटली का सेक किया। फिर बहुत सारे गर्दन के यहाँ एक मर्म पॉइंट रहते हैं, तो ये मर्म पॉइंट जो है वो भी उन्होंने दबाए यहाँ पे, तो उस ये जो हड्डी है उसके सेंटर में ही होते हैं। तो ये जब दबाते हैं, यहाँ एक नोड्यूल जैसा लंप महसूस होता है, हम टच करेंगे तो ये अपनी जो कोना है जॉस का, उसके सीधा नीचे। तो ये दबाने से जिसकी गर्दन पूरी जकड़ गई है ना, तुरंत वो देखेंगे कि आप खुद ही कर सकते हैं कि ऐसे करके वो मोड़ना शुरू हो जाएगी, एक या 2-3 बार ही वो ज़ोर से ऐसे प्रेस करने से। लेकिन फिर यदि आपकी पुरानी समस्या है तो उसे अंदर से ठीक करना है, नहीं तो वापस वो जकड़ जाती है। और फिर उन्होंने ये ख़त्म की, और तब तक तो लगभग उनका 80% माइग्रेन चला गया था, चक्कर आना बंद हो गया था, ये जो झटके आ रहे थे, नमनेस हो रही थी, हाथ में वीकनेस हो चुकी थी, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। क्योंकि उसके बाद हम लोग गर्दन में कट्टी बस्ती भी करते हैं आर्थ्रोक्स में, अंदर से भी ऑयलिंग ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर हमारे डॉक्टर ने बताया कि अब आपके गर्दन की हड्डियों को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए 10-12 महीने आप दवाइयाँ कंटिन्यू कीजिए ताकि हड्डियाँ मजबूत हो जाए, तो सालों साल तक ये बीमारी फिर आपसे चली जाएगी, आएगी नहीं वापस। तो उन्होंने वो पूरा कंटिन्यू किया, और आज 2 साल हो गए, उन्होंने दवाई तो छोड़ दी है, लेकिन उनको गर्दन की बीमारी आई नहीं। उनको तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ भी था, जिस पे हमने स्पेशल फोकस किया भी नहीं आर्थ्रोस के दौरान, लेकिन वो भी दोनों उनकी दवाइयाँ जो है वे अपने आप ही छूटने लगी थी। अच्छा। तो ये एक साइड बेनिफिट हो गया उनको। जी जी जी। तो फिर इसका तो ये मतलब हुआ कि जो ये आर्थ्रोक्स ट्रीटमेंट है, ये सिर्फ हमारी शारीरिक समस्या को ही सॉल्व नहीं करता, ये हमारे पूरे जीवन को, पूरे शरीर को स्वस्थ बना के रखता बिल्कुल, है। 100%। और इससे दर्द तो जाता ही है, और साथ साथ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ नियंत्रित रहता है। जो भी अंदर कोई और बीमारी है तो अपने आप ही नियंत्रित होती है, हमें उस पर फोकस भी नहीं करना पड़ता। जी जी। तो आयुर्वेद में क्या होता है, साइड बेनिफिट मिलता है। लेकिन मैम, जो ये नेक पेन है, तो कई लोगों को बहुत दिनों से नेक पेन होता है और लंबे समय तक चलता रहता है। हाँ। तो इतना क्रॉनिक क्यों बन जाता है? जैसे मैंने बताया कि वायु जो है अंदर इकट्ठे हो करके अंदर की जो डिस्क है उसको सुखा देता है। जी। तो इसकी वजह से हमारी जो वर्टिब्राज के बीच, 2 वर्टिब्रा एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक किए हुए, सर्वाइकल जिसको बोलते हैं, वो 7-1-7 C1 से C7 तक होते हैं। तो जब ये अंदर की डिस्क जो रबरी जेली जैसी है वो सूख जाती है, तो वर्टिब्राज घिसने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, और नर्व को भी टच करने लगते हैं। जब उसे हम अंदर से उपाय ना करें तो ये डिस्क फिर सूखने भी लगती है, और फिर वो एकदम से क्रॉनिक हो जाती है। तो उसमें पहले तो डाइट ऐसा करना चाहिए जिससे कि सूजन कम हो जाए, जैसे कि गेहूँ की चीज़ें, रेड मीट और तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे सूजन बढ़ जाती है शरीर में। तो वो हमें स्वेलिंग जब घटा दिया, तो शुरुआत में डिस्क, किसी को भी तकलीफ हो गई ना, 5-6 दिन मूंग और सब्जी पे रह जाओ तो इससे डिस्क की सूजन घट जाएगी। तो वो डिस्क जब सूजन घटेगी तो वो टच होना बंद हो जाएगी नर्व को,
तो फिर हमारे सिम्टम्स चले जाते हैं। जी जी जी। फिर उसके साथ साथ जो है कि हमें वायु नहीं बढ़े ऐसे खुराक खाने चाहिए, जैसे कि चना राजमा गैसेस करते हैं, रॉ वेजिटेबल गैसेस करते हैं, तो वो नहीं खाने चाहिए। ज़्यादा करके हरी भरी सब्जियाँ, कुक वेजिटेबल, ड्राई नहीं, मोर सूपी यानी रसे वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए ताकि वायु नहीं पैदा हो। अच्छा। तो ये डाइट करने से प्रिवेंशन भी हो सकता है और क्योर करने में मदद भी हो सकती है। उसके साथ साथ घरेलू प्रयोग मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो रोज़ रात को करना चाहिए। जी। इसमें हमें गर्म पानी आधा कप लेना है और उसके अंदर पाव चम्मच अजवाइन का चूर्ण, पाव चम्मच लहसुन की पेस्ट, आधी चम्मच छोटी सौंठ का चूर्ण और एक चम्मच मेथी का चूर्ण डालना है और उसके अंदर एरंड का तेल, प्यूरिफाइड कैस्टर ऑयल जिसे बोलते हैं, वो एक छोटी चम्मच डालनी है। और ये रोज़ रात को करना है क्योंकि इससे क्या होगा, एरंड तेल लुब्रिकेटिंग है, तो ये जो अंदर सूख गई ना, बहुत लंबे अरसे तक इसको लेते रहने से धीरे धीरे वो जेली थोड़ी सी वापस स्वेल हो सकती है। जैसे कि कोई रबर एकदम सूख गया तो आप उसे पानी डालते ही रहो, डालते ही रहो, पानी में उसके डुबा दो तो वो कैसे वापस स्वेल हो जाती है ना। जी। भले तुरंत नहीं होगी पर थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। जी। तो उसी तरीके से ये काम करती है। साथ में आयुर्वेद में आयु शक्ति में पेन मुक्ति MJ टैबलेट एंड पेन मुक्ति संधिकेल, ये दो ऐसी औषधियाँ हैं, गर्दन की जकड़ाहट, दर्द और सूजन चली जाती है और यहाँ के मसल्स और हड्डियों को पोषण देकर के ये मजबूत हो जाती है। और हमने इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिश किए डेटा कि पेन मुक्ति MJ और संधिकेल दोनों और साथ में पेन मुक्ति क्रीम भी यदि 3 महीने तक इस्तेमाल किया जाए तो गर्दन का पुराना दर्द, बैक पेन या घुटने का दर्द या तो जोड़ों का दर्द या कंधे का दर्द, ये सभी प्रकार के लोगों को 3 महीने में 80% रिलीफ मिल गई। और जो लोग पेन किलर पे एकदम से डिपेंडेंट थे उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों की पेन किलर की डिपेंडेंसी बिल्कुल चली गई, उनको लेने की आवश्यकता ही नहीं हुई और साथ साथ में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर गई। आर्थ्रोक्स ट्रीटमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये करने से अंदरूनी राहत मिलती है, तुरंत राहत मिलती है और ये राहत जो है कई सालों तक हमारे साथ रहती है। मतलब कि दर्द से एक बार छुटकारा हो गया तो वो आता ही नहीं है। तो ये आर्थ्रोक्स ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमारे डॉक्टर्स ही प्लान करते हैं। कई लोग ये ट्रीटमेंट करवाने हमारे गोवा और मुंबई के क्लिनिक में 3-3, 4-4 हफ्ता रह के फॉरेनर्स ट्रीटमेंट करवाते हैं और हमारे भारतीय लोगों के पास तो आयु शक्ति क्लिनिक बाजू में ही है तो वहाँ जाके भी वो कर सकते हैं। सिंपल सी एक्सरसाइज है लेकिन वो करने से थोड़ा रिलीफ होगा आपको। तो ये जो चिन है उसको ऐसे हाथ से पकड़े और स्ट्रेट रखे, ना नीचे ना ऊपर, ऐसे लेवल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और उसे पीछे की ओर धकेले ऐसे। इसको बोलते हैं डॉर्सल ग्लाइड, यानी कि आप अपनी नेक को, गर्दन को पीछे ग्लाइड कर रहे हैं ऐसे करके। आप अभी भी करें ना किसी को यदि दर्द है तो, और देखो कितना फर्क महसूस होगा तुरंत। तो ये एक्सरसाइजेस रेगुलरली करने से थोड़ी सी राहत मिलेगी। ऑफकोर्स परमानेंट सॉल्यूशन तो जब अंदर से आप काम करते हैं तभी आते हैं। जी। तो ये ज़रूरी है कि अंदर से हम वायु को और आँव को निकाल दें और हड्डियों को और मसल्स को मजबूत करें। थैंक यू सो मच मैम, इस बारे में ये जो हमारा विषय था उस पर आपने इतना सब कुछ हमें बताया कि उसका होता क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, क्योर क्या है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। देखा दोस्तों आपने, आज का एपिसोड आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि जो आज का विषय था उस पर आपको जानने को मिला कि ये असली प्रॉब्लम है क्या और फिर इससे बचा कैसे जा सकता है, आयुर्वेद के पास इसके लिए उपाय क्या है और साथ ही साथ मैम ने हमें इसके बारे में व्यायाम करके बताया जिससे हमें राहत मिल सकती है। दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके जीवन में स्वास्थ्य को लाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पुरानी शारीरिक समस्या हो जिसको आप हमारे शो पे डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें उसके बारे में लिखें। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमारे आयु शक्ति डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और आप पर्सनली आयु शक्ति क्लिनिक पर जा सकते हैं और हमारे आयु शक्ति डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स। इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेंगे, आज के लिए बस इतना ही और आशा करते हैं कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया। अगली बार हम फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।